please. जरूर जरूर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. तो आज ये है हमारा संडे का ब्लॉग. तो मैं आप लोग जैसे कि जानते हैं कि संडे दुनिया भर का काम होता है, सब कुछ काम संडे ही किया जाता है, जितना भी आपका पेंडिंग काम हो. तो मेरा पेंडिंग काम दो काम था. तो अरविंद के बाल बड़े हुए हैं और लियो के बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने लियो के बाल काट दिए हैं. आप पहले के ब्लॉग में देखे होंगे लियो का बाल कितना बड़ा हो गया था. उसको सब लोग पूछ रहे थे ये लड़की है या लड़का. मैं सोची कि उसको थोड़ा ट्रिम दे दूँ. बच्चे क्या होते हैं ना, बाल काटते समय दिखाते नहीं है, प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया. क्योंकि मैं सब सेटअप करके फिर बनाती और उसने ड्रेस भी नहीं पहना था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया. लेकिन मैं आपको भी दिखा दूँगी और बता दूँगी टेक्निक कैसे काटना है बच्चों का बाल. तो ये देखिए, ये लियो का हेयर कट मैंने किया है. ये थोड़ा इधर उधर है लेकिन वो कल तक दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा. लियो, कैन यू शो मी योर हेयर? तो ये है लियो का नया हेयर कट. ये पूरा आप देख सकते हैं, मशरूम कट काटा है मैंने. मैं तो फर्स्ट सोची थी कि मैं उसको स्टेप कट काटूंगी, लेकिन बाद में ये मशरूम ही हो गया. ये देख सकते हैं आप उसका हेयर कट. कैन यू शो मी फ्रॉम द फ्रंट? यस, दिस इज लियोस हेयर कट. तो मैंने कैंची से काटा उसका बाल. तो बच्चों को आप कैंची से ही काटें, ट्रिमर से ना काटें, क्योंकि बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं. मैंने जितने बार भी ट्राई किया है ट्रिमर से बाल काटने के लिए, लियो बिल्कुल एकदम भागने लगता है और दिखाता नहीं है. तो मैंने एक उसके पसंद का पोएम गाया, राइम्स. फिर वो कुछ एक्टिविटीज़ टाइप का हम लोग किए, जैसे कि मैंने एक पोएम खुद से बना के गाया, मम्मा इज़ कटिंग योर हेयर, कैन यू सिट प्लीज़, कैन यू सिट प्लीज़. तो ऐसे करके मैं गाई और वो वैसे ही गाने लग गया, कैन यू सिट प्लीज़, कैन यू सिट प्लीज़, मम्मा इज़ कटिंग योर हेयर, कैन यू सिट प्लीज़. तो ऐसे करके लिए का पूरा हेयर कट हो गया. आपको पहले क्या करना है, पूरे बाल को अच्छे से कंघी कर लेना है, पानी दे देना है पूरे बाल में अच्छे से. जब बाल ऑलमोस्ट गीला हो जाए, मतलब पूरा गीला नहीं, थोड़ा सा ही गीला करना है. गीला करने के बाद आपको क्या करना है, बाल को पूरा साइज़ में कंघी करके, अगर बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हो और आपको स्टेप कट काटना है या तो फिर मशरूम कट काटना है, तो कान के जस्ट मिडल से आप एक लेयर काट लें और नीचे से एक लेयर काट लें, तो वो दो लेयर हो जाता है. फिर जब दो लेयर बन जाता है, तब उस दो लेयर को कैंची को तिरछा करके उसको मिला लें. और सामने का बाल ऐसे ही, सामने का बाल एकदम राउंड काट लें, उसके बाद कैंची को टेढ़ा करके आप लोग उसको थोड़ा डिस्टॉर्टेड कर दें तो वो ठीक लगता है, नहीं तो पूरा एकदम ऐसे साइज में सामने गिरने से वो भी अच्छा नहीं दिखता. लियो का फाइनल हेयर कट ये है. मैं पुराना फोटो भी डालूंगी जिसमें लियो का हेयर बहुत बड़ा था, तो मैं वो फोटो भी दिखाऊंगी लियो के बाल काटने से पहले उसका क्या. ओह माय गॉड, हु इज दिस क्यूट बेबी विद अ न्यू हेयर कट? इज दिस लियो? देखिए अभी भी बाल लगा हुआ है उसका, अभी अभी जस्ट काटी हूँ, उसको बात भी नहीं दी. फिर मैं उसका नहला के अरविंद का बाल काटूंगी, वो मैं आपको पूरे अच्छे से दिखाऊंगी. तो चलते हैं और थोड़ी देर बाद अरविंद का बाल काटते हैं, फिर हमारा संडे का और बाकी बचा कुचा काम करते हैं और आपसे मिलते हैं. तो और एक बार मैं लियो का दिखा देती हूँ. तो मैंने ये पीछे से एक लेयर किया था और नीचे से एक लेयर इसको साइज किया था, फिर कैंची को तिरछा करके मैंने ये दोनों को ऐसे ऐसे मिलाया, ऊपर वाले लेयर को, नीचे वाले लेयर को, तो थोड़ा आर्मी लुक आता है. और साइड में भी मैंने एक लेयर किया था ऊपर से, फिर मैंने इसको भी कैंची को तिरछा करके काटा. उबड़ खाबड़ काटना है आपको, मतलब कैंची को तिरछा करके आपको कहीं से भी ऐसे ऐसे करके काटना है, तब वो आप बहुत बार काटेंगे तो वो मिलने लग जाएगा बाल एक दूसरे से. तो ये होता है. और सामने की तरफ ये देखिए, सामने की लियो कैन यू शो मी योर हेयर प्लीज? तो सामने की तरफ भी मैंने ऐसे साइज करके इसको काट दिया था एकदम गोल, देन उसके बाद मैंने कैंची को तिरछा करके उबड़ खबड़ किसी भी एंगल से काटा है ना लियो, राइट? तो ये था आज का मेरा टेक्निक. मामा इज कटिंग लियोस हेयर, सिट प्लीज, सिट प्लीज. मामा इज कटिंग लियोस हेयर, सिट प्लीज, सिट प्लीज. तो यहाँ चल रहे हैं हमारे संडे के पार्टी की तैयारी. अरविंद यहाँ बॉईल करने जा रहे हैं एग्स, और मैं बनाऊंगी चिकन पकोड़ा. अरविंद आप कुछ बोलना चाहते हो?
लियो का फेवरेट बॉयल्ड एग, सबसे फेवरेट लियो का। मैं बनाऊंगा एग्स एंड बेकन, और मैं बनाऊंगी चिकन पकौड़ा। तो हेलो एवरीवन, हम चल रहे हैं अरविंद का बाल काटने। ये आप देख रहे हैं कैसा बाल है, चश्मा तो उतार दो। ऐसे बकरा बनाया जाता है, पहले बोलते हैं चश्मा उतार दो, फिर क्या कटेगा पता नहीं, दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, हमेशा मैं अच्छा ही काटती हूँ। मैंने लियो का कितना अच्छा काटा आप लोगों ने देखा ना। तो पहले मैं लगा रही हूँ बाल में, क्या लगा रही हूँ, पानी, इट्स नॉट जेल। और पहले थोड़ा मसाज मिलेगा या नहीं? हाँ, मसाज। कितने रुपए दोगे? कितना? हाँ, मच मनी। दस रुपए। दस रुपए में इतना ही मिलता है जितना मिला। तो मैं पहले कट कर लेती हूँ सामने, क्योंकि अरविंद का ये सामने वाला बाल हमेशा बड़ा हो जाता है ना। दूसरे वाले साइड तो बल्ब नहीं चल रहा है क्या? फिक्स कर देता हूँ। लाइट को मोड़ सकते हैं क्या? स्टेडी रहेगा फोन लगाने। ठीक है ना? फिक्स कर। बटन ऑन कर दो। और थोड़ा पानी लगेगा। पूरा गीला ही है। आपको एक बात बता देती हूँ मैं, यहाँ पे घर में काटने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि यूएस में जितना भी कोरोना फैला है उसका मेन कारण है सलून, है ना। तो सलून जाने के लिए तो बहुत डर है मैं अभी। ये क्या है? ये क्या था? ओह माय गॉड। तो ये हो गया सामने से कट। ये था मंकी कट। ये तुमने ऊपर ऊपर से ज्यादा कट। लियो, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? तो फिर आपको बस ऐसे ऊपर करके ऊपर से आपको ट्रिम करना है। अरविंद ज्यादा कुछ। मम्मा, मम्मा, व्हाट आर यू डूइंग? मेरी लेफ्ट साइड। कोटा मेरी लेफ्ट साइड। तो दिलू पांचा छापड़ा। तो मैं कुछ इस तरह काट रही हूँ बाल अरविंद का, पूरा कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी। माय गॉड। तो ये खत्म हो चुका है अरविंद का हेयर कटिंग। अभी मैं मारने जा रही हूँ, क्या मारने वाली? रेजर। रेजर मारने जा रही हूँ। ओह हाउ इज योर धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। लियो चुचुड़ी भी लगी जी। पा गो चुचुड़ी भी गो। ओड बेडरूम रे ना, ड्राइंग रूम रे। और लगी नहीं लगी जी, तो वो और का चेंज कर लेता हूं। आहा हा आहा आ आवाज आती है मजा। आहा हा, अभी मसाज मिलेगा थोड़ा 5 मिनट का, पर उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा 15 रुपए। जरूर जरूर। अरे बाप रे। आता हूँ जी से टकली। और कभी बोलो हेयर कट के लिए। मजा आ गया। No baby, it's not yours. Take it. Oh my God. Take it. तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया है अरविंद का नया हेयर स्टाइल। जामत।
हजामत 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 फिर क्या है? अरे मुझे टिकट सुनना पड़ गया मुझे तो वो आज पूरा बने हैं हीरो कैसा हुआ मुझे बताइए ये हेयर स्टाइल हमको एक्चुअली शॉर्ट में ही चाहिए है ना क्योंकि अदन का बाल थोड़ा बढ़ जाने से उनका अच्छा नहीं लगता है ना तो आज हुआ है प्रॉपर कटिंग क्योंकि हमेशा अदन बोलते हैं कि मेरा ट्रिमर में काटो ट्रिमर में काटो तो ट्रिमर से अच्छा नहीं हो पाता है जब इतनी टैलेंटेड बेबी हो घर में तुम्हें ट्रिमर की क्या जरूरत है हो गया रे सब उखड़ जाएगा चलो तो ये है अरविन का नया हेयर स्टाइल थोड़ा घूम जाओ और ये है बैक साइड कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताना कमाल